आज हम पाइनएप्पल हलवा बनाएंगे। ये हलवा बनाना बहुत ही आसान है और झटपट बन जाता है। साथ में ये घर में अवेलेबल सामान से बन जाता है। इसे आप किसी भी त्योहार या पार्टी के लिए बना सकते हैं। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दी गई बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करें। पाइनएप्पल हलवा के लिए मैंने आधा कप घी को गरम करने के लिए रखा है। दूसरी साइड मैंने 2 कप पानी को गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें हम 1 कप सूजी यानी कि रवा, हमें बारीक वाला रवा लेना है। उसे हमें धीमी आंच पर सीखना है। इसी तरह हर सूजी के कण में घी लग जाना चाहिए, इतना हमें घी लेना है। सूजी को हमें लगातार हिलाते हुए सीखना है। इस हलवे को भी आप माइक्रोवेव में बना सकते हो। सूजी का थोड़ा सा कलर चेंज होगा और उसमें से हल्की खुशबू भी आने लगेगी, तब तक हमें इसे सीखना है। जैसे जैसे सूजी सीखेगी वैसे वैसे ये हल्की भी हो जाएगी और साइड में से थोड़ा थोड़ा घी भी निकलेगा। इसे हमें धीमी आंच पर ही सीखना है ताकि सूजी हमारी अच्छी तरह पक जाए। बाद सूजी हमारी अच्छी तरह सीख चुकी है, तब इसमें हम डाल देंगे 2 कप गरम पानी। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे ताकि जल ना जाए। सूजी हमारी अच्छी तरह पक चुकी है, तभी हम उसमें डाल देंगे 1/2 कप चीनी। चीनी की मात्रा आप कम या ज्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। इस टाइम पर आप इसमें इलायची, काजू, किशमिश वगैरह डाल सकते हैं। पर हमें इसे पाइनएप्पल फ्लेवर का बनाना है तो हम ये चीज अभी कुछ नहीं डालेंगे। चीनी भी हमारी अच्छी तरह हलवे में मिक्स हो चुकी है और हलवा हमारा रेडी हो चुका है। इस टाइम पर हम इसकी गैस ऑफ कर देंगे और 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमें इसे ज्यादा ठंडा नहीं करना। 2 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा सा हलवा हम इसमें से अलग रख देते हैं। इसी में हम डाल देंगे पाइनएप्पल क्रश। ये मेरा होममेड पाइनएप्पल क्रश है। इस पाइनएप्पल क्रश घर पर कैसे बनाना अगर आप सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना।
ये बाजार में भी इजीली मिल जाता है। अभी मैंने गैस की फ्लेम ऑन नहीं की है, पहले हम इसे इसी तरह अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम डाल देंगे और 1 से 2 चम्मच जितना घी, ताकि हलवा हमारा अच्छे से ग्लेज भी कर। अब हम पाइनएप्पल हलवा को धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए फिर से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें कोई कलर नहीं डाला है, आप चाहो तो येलो कलर डाल सकते हो। इस तरह से थोड़े चंक्स भी आने चाहिए। ये हमारा पाइनएप्पल हलवा सर्व करने के लिए रेडी। पाइनएप्पल हलवा को अब हम सर्व करेंगे। इसे हम काजू से गार्निश करेंगे। बादाम के फ्लेक्स लगाएंगे। ये पाइनएप्पल हलवा टेस्ट में बहुत ही बेस्ट होता है, तो एक बार इसे जरूर ट्राई करें।